आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। आदर्श नगर कॉलोनी में बुधवार को एक पुराने मकान में अनीश नाम के व्यक्ति का मिला शव। मामला कैंट थाना क्षेत्र का। मौके पर पहुंची कैंट थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। एसपी सिटी ने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी आगे की कार्यवाही। शासन द्वारा निर्धारित 1,80,000 मेट्रिक टन धान की जनपद में की जा चुकी है खरीदारी। 28 फरवरी तक धान खरीदारी का कार्य रहेगा जारी। एडीएम फाइनेंस व प्रभारी धान खरीद अधिकारी ने दी जानकारी। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी के मेयर बनने पर गोरखपुर में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर दी बधाई। कहा आने वाले दिनों में प्रदेश व केंद्र में होगी आपकी सरकार। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जिला व महानगर की संयुक्त बैठक प्रदेश उपाध्यक्ष चिरंजीव चौरसिया की अध्यक्षता में हुआ सकुशल संपन्न। ने कहा भाजपा की सरकार में सभी योजनाओं का निचले पायदान के व्यक्ति को मिल रहा है लाभ। और सिंचाई विभाग के कार्यालय पर अखंड रामायण पाठ समापन के अवसर पर भंडारे का किया गया आयोजन। हजारों कर्मचारियों व अधिकारियों ने भंडारे में पहुंचकर प्रसाद किया ग्रहण।